भारतवर्ष सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताओं वाला देश है, इसलिए यहाँ पर हर समाज, संप्रदाय और पंथ के विभिन्न पर्व हैं। सभी अपने तौर तरीके व रीति रिवाजों के अनुसार पर्वों को मनाते हैं। इन्हीं में एक पर्व है ओणम, जो दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव है। जिस तरह देश भर में दशहरा, दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी तरह केरल में 10 दिवसीय ओणम पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम पर्व का कृषि और किसानों से गहरा संबंध है। यह पर्व ऐसे समय पर मनाया जाता है जब दक्षिण भारत में फसलें पककर तैयार होती हैं। फसलों की सुरक्षा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कामना के लिए लोग ओणम के दिन श्रावण देवता और पुष्पा देवी की आराधना करते हैं। यह त्योहार किसी देवी देवता के सम्मान में नहीं, बल्कि एक दानवीर असुर के सम्मान में मनाया जाता है। जी हाँ, आइए जानते हैं ओणम की पौराणिक कथा। मान्यता है कि एक समय में महाबली नाम का असुर राजा हुआ करता था। वह अपनी प्रजा के लिए किसी देवता से कम नहीं था। अन्य असुरों की तरह वह तपोबल से कई दिव्य शक्तियाँ हासिल कर देवताओं के लिए मुसीबत बन गया। शक्ति अपने साथ अहंकार भी लाती है। देवताओं में किसी के भी पास महाबली को परास्त करने का सामर्थ्य नहीं था। राजा महाबली ने देवराज इंद्र को हरा कर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की स्थिति देखकर देव माता अदिति ने अपने पुत्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। माता अदिति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री हरि प्रकट हुए और बोले, देवी आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राजपाट पुनः दिलाऊंगा। कुछ समय बाद माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। वहीं राजा महाबली स्वर्ग पर स्थायी अधिकार प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। यह जानकर वामन रूप धरे श्री हरि वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशमय हो गई। महाबली ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। तब वामन रूप में अवतरित भगवान विष्णु ने महाबली से 3 कदम रखने के लिए जगह मांगी, जिसे महाबली ने स्वीकार कर लिया। वामन ने अपने एक कदम में भूलोक तो दूसरे कदम में आकाश को नाप लिया। तीसरे पद के लिए अब कोई जगह शेष नहीं रह गई। अब महाबली का वचन पूरा कैसे हो? तब उन्होंने वचन को पूरा करने के लिए वामन के समक्ष अपना सिर झुका दिया। वामन के कदम रखते ही महाबली पाताल लोक चले गए। जब प्रजा तक यह सूचना पहुंची, तो हाहाकार मच गया। प्रजा का उनके प्रति अगाध स्नेह देखकर भगवान विष्णु ने महाबली को वरदान दिया कि वे वर्ष में एक बार 3 दिनों तक अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे। माना जाता है कि तब से लेकर अब तक ओणम के अवसर पर महाबली केरल के हर घर में प्रजाजनों का हाल चाल लेने आते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। ओणम देश के बेहद खूबसूरत पर्वों में से एक है। एक तरफ जहां महिलाओं में सज संवर कर पुकल्लम बनाने का, तो पुरुषों में नौका दौड़ का चलन है। इसके साथ इस दिन कथकली नृत्य के साथ इस पर्व का लुफ्त उठाया जाता है। यह त्योहार पूरे 10 दिनों तक चलता है। यह उल्लास, उमंग और परंपराओं से भरा हुआ त्योहार है। ओणम उत्सव की शुरुआत होते ही हर घर को सजाया जाता है। हर घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है, जिसे पुल्लकम कहा जाता है। पहले दिन यह रंगोली छोटी होती है, लेकिन हर दिन के साथ इस रंगोली में एक पंक्ति बढ़ा दी जाती है, जिससे 10वें दिन इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इस त्योहार पर रंगोली के साथ दीप भी जलाए जाते हैं। ओणम पर साद्या थाली बनाने की परंपरा है। इस थाली में 26 तरह के शाकाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से केले के पत्तों पर परोसा जाता है। ओणम पर खास तौर पर चावल, नारियल के दूध
और गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है। इस साल ये त्योहार 21 अगस्त को मनाया जाएगा, जबकि इसकी शुरुआत 12 अगस्त से ही हो चुकी है और इसका समापन 23 अगस्त को होगा। इस पावन त्योहार को मनाने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं।